एसयूआयचे अध्यक्ष आणि माझ्या सर्व बंधूंनो आणि बंधूंनो, आज 2 ऑक्टोबर आज महात्मा गांधीजी अखिल विश्वाला त्यांनी शांततेचा, बंधुत्वाचा, एकतेचा आणि महिला संरक्षणाचा ज्यांनी जगाला संदेश दिला अशा महामानवाची आज नमस्कार. एबी न्यूज दिवस बचाव दिवस हे साजरा करण्यासाठी कायदे पास केलेले होते आणि केंद्र सरकारचे असे म्हणणे होते की हे जे कायदे आहेत ते शेतकऱ्यांसाठी आणि कामगार वर्गासाठी खूप जास्त हिताचे आहेत. परंतु या कायद्यांच्या विरोधात जे आहेत राज्यसभेमध्ये खूप जास्त गोंधळ झालेला होता. त्याचप्रमाणे काँग्रेस नेते आणि शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये शेतकऱ्यांनी सुद्धा यासाठी आंदोलन केले होते. एक वेळचे केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की हे कायदे जे आहेत कामगार वर्गांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, तरी देखील आंदोलन सुरू आहे. तर हे आंदोलन का सुरू आहे हे आपण यांच्याकडून जाणून घेऊया. पद्धतीचा रेट झाला नाही अशा पद्धतीचा अहवाल या सरकारने सादर केला आणि अर्ध्या रात्री पोलिसांनी त्या मुलीचा शव त्यांनी तिथे शव विच्छेदन केलं. तर तिच्या परिवाराला सुद्धा बंदी करून ठेवलं. अशा पद्धतीचा अन्याय या ठिकाणी सुरू आहे आणि म्हणून महात्मा गांधींच्या सर्व मूल्यांना पायदळी तुडवण्याचं काम हे सरकार करत आहे. आत्ताच काही दिवसा अगोदर शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये या सरकारने एकदम अत्याचारी आणि कुठे चर्चा न करता, संसदेमध्ये चर्चा न करता 3 बिलं पास केली. काय होतं या बिलामध्ये? आज शेतकरी जो आपला माल बाजार समितीमध्ये घेऊन जातो आणि त्याला त्या ठिकाणी हमी भाव दिल्या जाते. या सरकारने या अध्यादेशामध्ये या मालाला हमी भावाची कुठली हमी दिली नाही. आज एखाद्या शेतकऱ्याचा माल जर कमी भावामध्ये खरेदी केला जात असेल तर या शेतकऱ्याला पोलिसामध्ये तक्रार करण्याचा अधिकार नाही, या शेतकऱ्याला कोर्टात जाण्याचा अधिकार नाही. मग काय करायचं या शेतकऱ्याने? तर याला म्हणतात तुम्ही कलेक्टरकडे कंप्लेंट करा आणि कलेक्टर काय करेल त्याच्यावर एक समिती नेमेल आणि ती समिती आपला अहवाल सादर करेल आणि या सर्व प्रक्रियेला किती दिवस लागतील हे या अध्यादेशामध्ये सांगितलेलं नाही. आणि उलट जर एखादा शेतकरी जर कोर्टात गेला, कामासाहेब अगर वो कोर्ट में गया तो कोर्ट काय म्हणेल की हे तरतूद कायद्यामध्ये नाही आहे की तुझ्या मालाला हमी भाव दिला पाहिजे. तो शेतकरी म्हणेल साहेब जेव्हा हा अध्यादेश पास झाला तेव्हा पंतप्रधानांनी घोषणा केली होती की तुझ्या मालाला आम्ही हमी भाव देऊ. तर कोर्ट म्हणेल की नाही, या अध्यादेश जरी पंतप्रधानांनी म्हटलं असेल, हा पंतप्रधान तर सारखं खोटं बोलत आहे आणि याचा कुठल्याही घटनेमध्ये उल्लेख नाही आणि म्हणून तुमची याचिकाही फेटाळल्या जाईल. कामगाराच्या बाबतीमध्ये आज कामगाराच्या बाबतीमध्ये ज्या ठिकाणी 300 वर्कर काम करत असेल त्यांना कुठलीही सूचना न देता या कामगाराला कामावरून कमी करण्यात येईल. आणि दुसरं, या जो कामगार स्थायी स्वरूपामध्ये काम करत आहे त्या कामगाराला कंत्राटी पद्धतीवर नेमल्या जाईल अशी तरतूद कामगारांच्या बाबतीमध्ये करून ठेवली. आणि तुम्हाला सांगतो मित्र हो, या ठिकाणी कामगार वर्ग उपस्थित आहे, जर तुम्हाला कंत्राटी पद्धतीवर जर नेमल्या गेलं तर उद्या तुम्हाला कोणतीही बँक कर्ज देणार नाही, दारावर उभा करणार नाही, समाजामध्ये तुमची पत राहणार नाही. आणि म्हणून आणि उद्या शेतीच्या बाबतीत सांगतात की उद्योगपती कॉन्ट्रॅक्ट करतील, शेतकऱ्यासोबत कॉन्ट्रॅक्ट करतील, तुमच्या भावाला ते रिजेक्ट, तुमच्या मालाला ते उद्या रिजेक्ट करून टाकतील. म्हणजे अशा पद्धतीने सगळ्या संस्था ह्या उद्योगपतीच्या घशामध्ये घालण्याचं एकमेव काम, एकमेव पाप हे सरकार करत आहे. आता फक्त शेतकरी उरला होता तोही या सरकारला आज देश कृषी प्रधान आहे. 70% या देशामध्ये व्यवसाय शेती आहे, शेतीवर आधारित व्यवसाय आहे. आता या शेतकऱ्याला सुद्धा उद्योगपतीच्या घशामध्ये टाकण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. हे पाप या सरकारने केलं आहे. लगातार UP आणि इतर प्रदेशामध्ये
आज जिथे जिथे भाजप शासित प्रदेश आहे आमच्या आई बहिणींवर अत्याचार होत आहे आणि अशा सरकारचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। कालची घटना तुम्हाला सांगतो, आमच्या देशाचे आमच्या पक्षाचे आमचे नेते सन्माननीय राहुलजी गांधी सन्माननीय प्रियंका गांधी जेव्हा त्या हातरजला जायला निघाले त्यांच्यावर अमानुषपणे कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्ज केला, त्यांना अटक केली, त्यांना धक्काबुक्की केली आणि अशा पद्धतीने एका अन्यायग्रस्त कुटुंबाला भेटणं हे काही पाप आहे का, हे काही कायद्याला अनुसरून नाही का असा प्रश्न आपण या सरकारला विचारला पाहिजे आणि अशा अन्यायी आणि जुमली सरकारला आपण येणाऱ्या काळामध्ये सत्तेवरून खाली खेचलं पाहिजे। कारण हे लोक देशाची सरकार चालवण्याच्या लायकीचे लोक नाही। आज या ठिकाणी कोविडमुळे काही निर्बंध शासनाचे घातलेले आहे म्हणून साहेब आम्ही जास्तीत जास्त लोकांना या ठिकाणी जमा करू शकलो नाही, कारण आम्हाला तशा सूचना त्या ठिकाणून मिळाल्या होत्या परंतु छोट्या का प्रमाणात होईना। आपण या सरकारचा निषेध करण्यासाठी आपल्या नेतृत्वामध्ये या ठिकाणी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। आपण बुटीबोरीवासियांना भविष्यातही जामासाहेब आपण मदत करत राहाल आणि आपल्या मदतीची आम्ही अपेक्षा करतो। या ठिकाणी पक्ष कसा मजबूत करता येईल आणि पक्षाचं संघटन कसं मजबूत करता येईल या दृष्टीने आमचे सर्व युवक वर्ग तयार आहेत। केवळ आपला थोडासा मदतीचा हात आमच्या इथे कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे, आपण कामगारी चळवळीमध्ये काम करता आणि म्हणून आपण थोडंसं या ठिकाणी लक्ष घातलं पाहिजे अशी मी सर्वांच्या वतीने आपल्याला विनंती करतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो। जय हिंद, जय भारत, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। साथियों, यहाँ पे हमारे कांग्रेस कमेटी के जो कांग्रेस एनएसयूआई मजदूर वर्ग के इंटक के महिला कांग्रेस सभी वर्ग के लोग कम संख्या में मौजूद है और हमारे सभी साथी आज जैसा कि हमारे ज्योतिल जी ने बताया, हमारे साथी ने बताया कि आज दो महान व्यक्तियों का जन्मदिन है, एक तो महात्मा गांधी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी। तो सबसे पहले आप सब लोगों की तरफ से इन दो महान सपूतों को हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। दोस्तों, बहुत विस्तार से गिरतरी जी ने आपको और हमारे साथियों ने समझाया कि किसान बिल में क्या है। हिंदुस्तान के लोग दो हिस्से में बटे, आप देख रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, बहुत जगह, जहाँ गुजरात में मोदी जी का मॉडल बहुत बड़ा नाम हुआ था 2014 में चुनाव के पहले, बहुत सर्वमार्ग दिखाए कि वो तो स्वर्ग बन गया है, गुजरात में तो सब कुछ फ्री है और सभी किसानों को डबल मुआवजा मिल रहा है, सभी बहुत खुश है, वहाँ के कामगार बहुत खुश है, लेकिन उनकी कलई खुल रही है मोदी जी की, जो वो पूरा देश पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। हम लोग कांग्रेस शासन ने बहुत शासन किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके हमारे नरसिम्हा राव से लेके, जिनको हमने दो बार विधान इसी लोकसभा से चुन के दिया 1984 में और 1991 में 89 में एक 91 में जब राजीव जी का की हत्या हो गई तब वो देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। आपको एक ही बात याद दिलाता हूँ दोस्तों, जो ये बीजेपी के लोग लंबे लंबे कालर बना के और टीवी खरीद के और चैनल पे भाषण देते रहे, उनका ऐसी जैसी करो आप, उनको पूछो कि 91 में 91 में देश में कर्जा जो लेती है ना देश, उसका इंटरेस्ट देने का पैसा नहीं था। उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे देश के, कांग्रेस के समर्थन से बाद में कांग्रेस उनका समर्थन गिराया राजीव जी की हत्या के पहले। तो ये मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव ने मिलके देश में आर्थिक सुधार लाया। कांग्रेस आर्थिक सुधार के खिलाफ नहीं है, ये बुट्टी बोरी इतना बड़ा परिसर क्या इनके बीजेपी के बाप ने बनाया था? अब पूछो, हम औद्योगिक विकास नहीं किए, आप मोदी जी का कोई भी 2014 से 13 से 12 से उनका कोई भी भाषण सुनोगे वो बोलेगा कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में क्या किया, हाँ ये सब तेरे बाप ने बनाया, भिलाई तेरे बाप ने बनाया, बोकारो के लिए स्टील प्लांट बाप ने बनाया, राउरकेला तूने बनाया, बीएचईएल आज 240 पब्लिक सेक्टर है। मैं कोल इंडिया में काम करता हूँ, जहाँ एक जमाने में 6 लाख मजदूर काम करते थे, जब 6 साल पहले इनकी सत्ता आई उस समय 4 लाख वर्कर थे, 6 साल में 1.5 लाख वर्कर कम।
गए और ऐसे एक नहीं 240 पब्लिक सेक्टर है, चाहे स्टील अथॉरिटी हो, चाहे BHEL हो। अभी आप देखो BPCL तेल कंपनी का निजीकरण कर रहे हैं, ONGC कर रहे, एयर इंडिया निजीकरण कर रहे, इनके बाप ने हमने बना के रखा, ये बेच रहे और हमको भाषण देते नसीहत देते। दोस्तों ये किसानों के साथ अन्याय है। आज किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, देश बचाओ का नारा लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में। हम सत्ता में नहीं है इसकी चिंता नहीं है। हम कई बार पिछले 70 सालों में कांग्रेस कई बार सत्ता में नहीं रही, मोरारजी देसाई के जमाने से लेके कई बार हम लोग, ये अटल बिहारी वाजपेयी भी देश में 6-7 साल राज किए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मोदी जी के भाषण के मुताबिक उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बस जो हो रहा है हिंदुस्तान में वो जब से ये पैदा हुए प्रधानमंत्री तभी से हो रहा है, बाकी तो कुछ इस देश में सही नहीं। दोस्तों मैं आपको जवाबदार आदमी हूँ, पूरे इंडिया में घूमता हूँ, कोयला खदान में मजदूरों के बीच में घूमता हूँ, विदेश जाता हूँ। मैं यहाँ आता था अभी 25 साल पहले, बहुत बड़ा मैंने यहाँ मुजीब भाई पठान अभिषेक भाई है इनके नेतृत्व में मैंने यहाँ ऑफिस चलाया इंटक का, जब शुरू में यहाँ पे मजदूर बहुत असंगठित थे। आज आप अच्छे हैं आपको, लेकिन आपने भी देखा होगा ये लॉकडाउन का तो बहाना है। आज देश में लॉकडाउन शुरू होने के पहले आपने एक बार में पढ़ा था कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। अगर आप कोई इसमें से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है तो वो भी ईमानदारी से सीधे पे हाथ रख के बताए कि लॉकडाउन के पहले भारत देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, ये आपने समाचार सुना पढ़ा कि नहीं? तो भैया 5 साल तो आपने गुजरात में 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 5 साल चीफ प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद क्यों बेरोजगारी बढ़ गई? क्यों बढ़ गई? और ऊपर से ये बोलते ना, वो एक तो कटा हुआ ऊपर से नमक रगड़ा हुआ, ये आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में अपन लोगों ने टीवी में देखा था कि अप्रवासी मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, कितने 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पैदल जाके अपने गांव गए, गए कि नहीं गए? और आज तक हम लोगों ने, हमारे नेता राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने मांग किया कि भाई आप उनको कुछ आर्थिक मुआवजा दो। जिस मनरेगा को वो गाली बक देते वही मनरेगा ने ग्रामीण में जाके बिहार, यूपी, उड़ीसा और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वही उसी पे रोजी रोटी पढ़े लिखे लोगों ने मनरेगा में काम चलाया। चलाए कि नहीं चलाए, बोलो? कहा है भैया, कहा है आपका विकास? आपने 5 साल में तो बहुत उद्योगपतियों को निजीकरण कर दिया आपने, बहुत अडानी अंबानी को एयरपोर्ट भी दे दिया, कोयला खदान भी दे रहे, ये भी दे रहे, वो भी दे रहे, ये हमारा रक्षक उत्पादन का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो भी निजीकरण कर रहे, सब देश को बेच रहे। आप एक अंबाजरी जाओ, भंडारा जाओ, चंदपुर जाओ, अब 3 अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जाएंगे दोस्तों, ऐसे 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे देश में हमने बनाया, हमारे जमींदारों ने, जिसके पास हजारों हेक्टेयर जमीन है। आप अगर अंबाजरी जाओ, चंदपुर जाओ, भंडारा जाओ तो आप खेत से घुसोगे तो 2-4 किलोमीटर में अंदर में प्लांट है, आपको रोज जमीन मिलेगी, पेड़ मिलेगी, जंगल मिलेगा, मिलता कि नहीं मिलता? अब ये इसको बेच रहे और भाषण हमको देंगे कांग्रेस वाले भी। ये दोस्तों ये जो किसान विरोधी बिल आए हैं 3, मजदूरों के पक्ष में 44 कानून थे, चलो उसमें से 4 निरर्थक थे। ये सरकार ने निर्णय लिया कि 40 कानून को, लेबर कानून को 4 कोड बनाएंगे और बना दिया। और जैसे में जिसके एक दिन पहले वो शेतकारी का बिल पास किया 30 पार्लियामेंट में बिना अपोजिशन के, और दूसरे दिन राज्यसभा लोकसभा में, ही पहले राज्यसभा में वो 3 श्रम संशोधन कानून भी पास कर दिया। एक तो पहले हो गया था पिछले साल नवंबर में और ये 3 अभी हो गए, ये 4 कोड, अब वो 40 लॉ खत्म हो गए। जैसा इन्होंने बताया कि पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कानून था कि अगर किसी फैक्ट्री में 100 से नीचे काम करते तो वहाँ पे अगर मजदूर को हटाना है, फैक्ट्री बंद करना है, ले ऑफ करना है या रिटेंज करना है तो सरकार की परमिशन लगती थी। इसको ये सरकार ने बढ़ा के 300 कर दिया। अगर 300 तक कामगार है तो वो फैक्ट्री में कोई पूछे की जरूरत नहीं, आप कभी भी मजदूर को हाँ रखो, कभी भी निकाल दो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हायर एंड फायर। और ये मजदूरों हित की बात कर रहे हैं, ये ESICC का कानून इनके बाप ने बनाया, EPFO इनके बाप ने बनाया,
कांग्रेस के हम लोग हैं या देश के विरोधी नहीं है, ये हमको देशभक्ति सिखाते हैं। अबे देशभक्ति जब हमारे पूर्वज लड़ रहे थे इस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो तू बीजेपी वाले और आरएसएस वाले चम्मचगिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, क्या बात है, क्या बात है। और हमको देशभक्ति सिखा रहे, कुछ बोले नहीं बोले, अरे आप देश विरोधी, आप पाकिस्तान से बढ़ते, आप आतंकवादी, अभी हम तेरे बाप है, इस देश के मालिक है, देश को बनाया है, हमको नसीहत मत देना। गद्दारी करने वाले दो थे, भड़का के लोगों को आपने झूठे सपने दिखा के जुमलेबाजी करके 303 आ गए, अभी 303 बुलेट चला रहे। कल क्या किया यूपी में, उस केस में जो हाथरस में हुआ, अगर वहां राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेला चला जाऊंगा, अगर 144 है चार नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाने दिए भाई। जहाँ कांग्रेस शासित राज्य में अगर वहां कुछ ऐसे केस घटना होती है तो वहां लोग नहीं जा रहे, विरोधी पक्ष नहीं जा रहे। जब 2014 के पहले मोदी जी नहीं जाते थे, बीजेपी वाले नहीं पहुंचते थे कांग्रेस में, 2012 में निर्भय कांड याद नहीं है, महिलाओं के संरक्षण का कानून किसने बनाया, पॉस्को, निर्भय फंड किसने लाया, लोकायुक्त किसने लाया, पूरे 6 साल से लोकायुक्त अभी जाके अपॉइंट हुआ है। मोदी जी भ्रष्टाचार के विरोधी बोलते हैं अपने आप को। पिछले दोस्तों ये 5 साल की सरकार जिनके आई है दोबारा, वो रहे सत्ता में कुछ भी करे, लेकिन जो हमारा एक नागरिक के नाते हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान का अधिकार दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है, हमें सामाजिक न्याय का अधिकार दिया है, ये अधिकार पे अगर हनन होगा और अगर आप उस तरह का गैर कानूनी असंवैधानिक काम करेंगे जो कल आपने यूपी में किया, या जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में किया, लोकसभा में उनकी बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और वहां वो बिल वोटिंग में डालने के बजाय वॉइस 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 बोले पास 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 पास, और बिरला जी ओम बिरला जी जो हमारे सभापति है, मैं कोई उनके विरोध में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, असम्मान कर रहा हूँ, प्रजातांत्रिक तरीका है। आपने राज्यसभा में जब डिमांड किया कि वोटिंग कीजिए, वोटिंग क्यों नहीं किया, और आपने 3 बिल किसानों का और 3 बिल मजदूरों का खिलाफ पास कर दिया, और हम चुपचाप रहे तो बहुत अच्छे देशभक्त, और अगर हमने सरकार के खिलाफ बोला तो देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी, चाइना समर्थक। आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था साथियों, आपको मोदी जी ने कितना सिखाया, चाइना माल नहीं खरीदना, चाइना माल नहीं खरीदना, उनका चाइना का बॉर्डर पे लद्दाख में बहुत टेंशन है, 6 महीने से वो घुसे हुए हैं, इनको कबूलने को शर्म आ रही है। वो तो हमारी फौज को सलाम है कि जो वहां डटी है, लड़ी है, उनको खदेड़ती है हमारे बीच शहीद होने के बाद भी। ये सेना समझती है कि ये बीजेपी की सेना है, अबे वो हमारी सेना है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का श्रेय इंदिरा गांधी को है, बांग्लादेश बनाने का। तेरी हिम्मत नहीं है चाइना का नाम लेने की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी, तू हमको देशभक्ति दिखा रहा है। नहीं नहीं बोलो ना, बांग्लादेश कौन बनाया था, इंग्लैंड की अमेरिका की फौज आई थी क्या हमारी तरफ से, यही हमारे देश के जवान थे। 90,000 पाकिस्तानी फौजों को किसने सरेंडर कराया था, और इंदिरा गांधी का कलेजा देखो, पाकिस्तान ने अनुरोध किया, 90,000 फौजियों को बंदी बनाया हुआ छोड़ के दे दिया, उनको जाओ अपने देश वापस, आराम करो, बांग्लादेश बन गया 71 में। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, खास करके नौजवान लोग, हम लोग क्या हो गया है, कांग्रेस के जो नेता लोग होते हैं ना हम लोग, वो हम लोग सोचते हैं कि हमारा ठीक है कि हम सत्ता में रहेंगे, अपोजिशन में भी काम कीजिए। मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ कांग्रेस में और ट्रेड यूनियन में, मैं खुद कोयला खदान में 20 साल मजदूरी किया हूँ, कांपटी के लोग नागपुर के जानते होंगे। आज 72 साल की उम्र हो गया तो अभी घूम रहा हूँ कांग्रेस के लिए, इसके लिए जान दे दूंगा। और अभी लड़ रहे पूरे इंडिया का, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैंने एक आदमी किसको दिया कार्ड आपको दिया था बता दे रहा, पूरा इंडिया के कोयला मजदूरों माइनिंग मजदूरों सबका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मेरा ऑफिस है नागपुर में, मेरे पास 13 स्टाफ नागपुर ऑफिस में बैठते हैं, यूनियन ऑफिस में काम करता हूँ आज भी दिन भर, कांग्रेस के लिए, इंडिया के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, असंगठित लोगों के लिए, किसानों के लिए। यहाँ में कोई आपको भाषण देने के लिए नहीं आया, भावनात्मक आया। और ये जो चंदी लोग हैं यहाँ पे, आपकी जवाबदारी है, आप ईमानदारी से बात को समझो, पढ़ो,
टीवी से आपको सही बात नहीं मालूम होगी, एक दो चैनल छोड़ दिए और रवीश का एनडी टीवी, बाकी सब चैनल बिके हुए हैं। दिन रात आप चैनल चालू करोगे मोदी, कोई भी न्यूज आएगा घुमा फिरा के मोदी जी की तारीफ। तो ये हम लोग आदि हो गए, समझ रहे, इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में रह रहे, ये हमारा देश है, हम यही का खा रहे हैं, यही पैदा हुए, यही मरेंगे, यही दफनाए जाएंगे। हम चाइना पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमको नसीहत दे रहे देशभक्ति का। तो ये जरा बोलने की ताकत कांग्रेस वाले जो सेकुलर लोग हैं, धर्म विशेषता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आप जरा हिम्मत करके सामने आइए। अभी चुनाव में बहुत समय है, 5 साल है 4 साल है, चुनाव आएगा लड़ेगी पार्टी, हारेगी जीतेगी, बहुत बार हम लोग हारे हैं दोबारा आए हैं, इसे सत्ता की लड़ाई नहीं है। लेकिन ये जो देश में कानून बदल रहे, जो मजदूर मजबूर कर रहे किसानों को, जो लेबर को मजदूर कर रहे, उनको बंधुआ मजदूर के जैसा पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दे रहे, ये आप पढ़िए। हिंदी आजकल हिंदी मराठी इंग्लिश सब में न्यूज आती है, पेपर आती है, पढ़िए, वो आपको अच्छी सी बातें बताएंगे। किसान का डबल हो जाएगा, आमदनी डबल हो जाएगा, जो आप पहले भाषण दिए थे 2020 तक, फिर 22 तक, आप बोलते जब हम अगले बार जन्म लेंगे तब तक डबल कर देंगे किसान का। पहले हमें बताओ, एपीएमसी मार्केट में बेचने के बाद किसानों को बाहर माल बेचने का अधिकार नहीं था, कोरोना का नहीं क्या? अरे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 आइटम का मिलता है, दाल गेहूँ जो रबी फसल जो फसल हम लोग निकालते हैं, 23 आइटम पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू है, जो समझ लीजिए आप, तो पढ़ के बोल रहा हूँ। भारत सरकार कितने का प्रोक्योरमेंट करती है, एफसीआई कितना, क्या धान गेहूँ और थोड़ा बहुत दाल दलिया बोलते हैं, यही प्रोक्योर करती ना, बाकी किसान कहाँ से पूरा करता है, भारी बेचता है ना। लेकिन आपने ये कानून लाया तो क्या मांग कर रहे हैं किसान, एक लाइन जोड़ दो, ठीक है एपीएमसी का जो वो बोलते एपीएमसी रहेगा तो ठीक रहेगा, बदल गए, पहले एपीएमसी हटा रहे थे, जब ये दबाव देखा किसानों का था बोले एपीएमसी भी रहेगा, गर्मना मार्केट रहेगा, लेकिन आप बाहर भी बेच सकते, यहाँ का माल हरियाणा बेच सकते, और यहाँ का माल हमारा किसान हरियाणा तेरे भाप देगा किराया, किराया कौन देगा, बोले डिजिटल आएगा मंडी में, वहाँ बोले हरियाणा में बहुत जगह है, बहुत सब्जी की आलू की जरूरत है, यहाँ का आलू किसान ले जाएगा वहाँ बेचने के लिए। तो ये निजीकरण करेंगे दोस्तों, आपकी खेती में आएंगे छोटे छोटे 2 एकड़ 3 एकड़ वाले किसानों का, बोलेंगे आप हमको मिल करके जमीन दे दो, और वो वहाँ बोलेंगे आप खेती करो, हमारे माल में ले आओ, और जब झगड़ा होगा तो जैसा इन्होंने कहा उसका फैसला कोर्ट में होगा। अब ये 2 एकड़ 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ 3 एकड़ वाले किसान क्या बड़े अंबानी या अडानी या और कोई उद्योगपति से लड़ सकते क्या कोर्ट में, मतलब आप गुलाम हो जाओ। इसलिए आप सावधान रहो दोस्तों, हमारा इतना बोलने का मतलब गला फाड़ के सिर्फ ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता है ये इस बात को समझे, ये हम लोग कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, हमें कोई किराया नहीं दिया कि आप जाके भाषण दे दो, हम भावनात्मक रूप से गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ कांग्रेस जुड़ी है, और इस देश में जो भी आज अच्छा युग बड़ा हुआ है, जो कुछ देश में विकास हुआ है, उसका श्रेय कांग्रेस को भी है, और जो बीच बीच में अन्य सरकार आई उनकी भी है। मैं एक आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं उनका नाम बहुत सम्मान से लेता हूँ, मैं एक सज्जन आदमी था, इनके जैसा नहीं था, नमो नमो नमो, वो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2004 में, इंदिरा जी सोनिया जी ने बताया, आपने सोनिया जी को एक गाली देते आप एक से एक ही सवाल करो, क्या सोनिया जी विदेश की है कि इटली की है, कहाँ की, हमारे देश की बहू है, राजीव गांधी की स्वर्गीय राजीव गांधी की विधवा है, आप ईमानदारी से बताओ, अगर आपको याद होगा 10 साल 12 साल पहले का, कि 2004 में राष्ट्रपति ने एपीजे अब्दुल कलाम ने बुला के सोनिया जी को लेटर दिया था कि नहीं कि आप प्रधानमंत्री की शपथ लो, बोलो दिया था कि नहीं दिया था, और सोनिया जी ने सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में सभी अपने पार्टी के एमपी को जमा किया, और वहां उन्होंने कहा कि मेरा मन कहता है कि मैं प्रधानमंत्री ना बनूं, ये है किसी बीजेपी वाले में हिम्मत, सरपंच का पोस्ट के लिए तो जान दे देते,
और प्रधानमंत्री का फौज छोड़ के उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बनेंगे, और आज भी 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद देश के कोई भी नागरिक इवन बीजेपी वाले भी लोग उनका नाम नीचे से लेते हैं, जैसे हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी का लेते हैं, सब आदमी के सज्जन आदमी के। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शपथ लेने के बाद दूसरे दिन सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर गए और उनका आशीर्वाद दिया और बोला कि साहब आपका मार्गदर्शन चाहिए हमें आगे प्रधान करने के काम करने के लिए, और आपने जो कई योजना अच्छा चालू किया है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैटरी रेजर, ये जो चार चार छः छः लेन के रोड बने ना, ये काम शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आपको याद हो। मनमोहन सिंह ने कहा कि सर ये आपका काम बहुत अच्छा शुरू किया आपने, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये है कांग्रेस का कल्चर, ये है कांग्रेस की नींव, ये है कांग्रेस का सभ्यता। ये आने के साथ बस 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो कुछ गड़बड़ हुआ वो नेहरू गांधी फैमिली ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, बस जो हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जरा इसका प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, और डरिए मत, शेयर के जैसे डटके रहिए, और आने वाले समय में हम लोग किसानों के लिए मजदूरों के लिए, आपने कहा जब भी मैंने कार्ड दिया मेरा नंबर दे दो सबको, आप जब भी फोन करोगे आधा घंटा लगता मेरे को नागपुर से यहाँ आने में, कहीं भी कोई भी छोटे से छोटे फैक्ट्री में ठेकेदारी मजदूरों के लिए असंगठित मजदूरों के लिए आपको जब लगता है कहीं भी आवाज लगती है, और ऐसा नहीं समझना कि मेरे पीछे मजदूरों की ताकत नहीं है, एक घंटे में 10-20 हजार आदमी हम अगर चारों तरफ कोला खदान में खबर कर देंगे तो 10-20 हजार आदमी इनकी ऐसी तैसी करने के लिए हाजिर हो जाता है, और करूँगा, ठीक है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराज, जय विदर्भ, जय बुट्टी बोली। सर आप जैसे यहाँ कामगार के लिए आए हो, यह हत्याकांड की सबसे बड़ी MIDC बोला जाता है एरिया वाइज, यहाँ पे जिस प्रकार का कामगार का शोषण होता है, जिनको 8 घंटे के जगह 12 घंटे ड्यूटी करने बोलती है, उस पर क्या आप नियोजन करोगे आगे? भाई साहब आपका स्वागत है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको मालूम है कि 8 घंटे का 12 घंटे काम किया गया, ये कौन से कानून में किया गया और किसने लाया? आपको मालूम होना चाहिए कि 2018 में एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, ठीक है, जिसके अंतर्गत फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज नहीं है। फिक्स टर्म का मतलब कि आप 2 साल के लिए आ जाइए, 2 साल पूरा हुआ आप चले जाइए, लेकिन ये मोदी सरकार ने 2018 में उस कानून में संशोधन करके जो कांग्रेस राज्य से चला आ रहा था उसमें संशोधन करके ये छूट दिया, नंबर वन। नंबर टू, आपको याद है कि भारत सरकार ने गवर्नमेंट का आदेश निकाल के सभी राज्यों को ये छूट दे दिया कि आप 8 घंटे की बजाय उनसे 12 घंटे काम ले सकते, ठीक है। अभी अगर 8 घंटे से ज़्यादा अगर भाई साहब आप यहाँ रहते हो बुट्टी बोरी में, अगर कोई भी फैक्ट्री में वहाँ संगठन है नहीं है जाने दो, लेकिन अगर 8 घंटे काम करने के बाद अगर एक्स्ट्रा 2 घंटे मजदूर काम करता है उसको OT डबल मिलता है कि नहीं? अभी मिलता है, अभी मिलता है। अब आप ले लो 12 घंटे में OT देगा क्या 4 घंटे का? अभी नहीं देगा क्या? नहीं नहीं। ये कानून मोदी सरकार ने लाया। तीसरी और आखिरी बात जो अभी मैं बता रहा था आपको कि इस देश में 44 श्रम कानून थे 1900 अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज़ादी के बाद तक, जिसमें ज़्यादातर कानून श्रम के कानून कांग्रेस राज्य बने, जब जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कानून बनाए। ये सरकार 6 साल आने के पहले कहा कि नहीं साहब ये 44 में तो 4 कानून ऐसे थे कि जो कभी अमल में नहीं आया, तो वो 4 बाहर हो गए, उसका कोई विरोध नहीं हुआ, हम लोगों ने भी नहीं किया। 40 कानून को उन्होंने कहा कि हम साहब इसका 4 कोड बनाएंगे, एक वेज कोड मतलब वेतन सभी कानून मिला के, जैसे आपको याद है अब यहाँ पे आज लागू है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है ना 1948, उसके अंतर्गत हर राज्य में एक एडवाइजरी कमेटी होती है, मैं भी महाराष्ट्र का एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर रहा, वो तय करती है शेड्यूल इंडस्ट्री में कि भाई क्या क्या मिनिमम वेज होगा। अब वो कानून खत्म, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 36 के मुताबिक हर 7 या 10 तारीख को मजदूरों का पगार मिलने का डेट फिक्स था, वो कानून खत्म।
ये सब कानून जो वेजेस से बोनस एक्ट 1965 खत्म। अब आपके मालिक या सरकार की मर्जी पे बोनस देगी कि नहीं, और ये सब मिला के एक वेज कोड बनाया, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया आईडी एक्ट वगैरह मिला के, तीसरा बनाया सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, जो मजदूरों के पक्ष में कुछ सामाजिक सुरक्षा के कानून थे उनको मिला के एक, और चौथा बनाया ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। ये चार ही कानून रहेंगे, ये चारों लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में हो गया, ये सरकार अभी उसके ऊपर रूल बना रही है, दिसंबर इसी साल से या 1 जनवरी से वो ये चारों नए श्रम कानून लागू करेंगे, माने मिनिमम वेजेस न्यूनतम वेजेस खत्म। अगर कोई इंस्पेक्टर राज कर यहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं आ सकता फैक्ट्री में, और मालिक को सर्टिफिकेट देना होगा कि नहीं मैं कानून का पालन कर रहा हूँ सरकार मालिक, यही है पुराने और अभी के श्रम कानूनों में फर्क। जैसे आपने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था ईएसआईसी हॉस्पिटल, ईएसआईसी हॉस्पिटल बुट्टीपुरी में कईयों सालों से अप्रूव हो चुका है, पर अभी तक उसकी माना जाता है कि अभी तक एक ईंट भी जोड़ी नहीं गई है। मैं कह रहा ना, और इस वक्त कामगार सबसे ज्यादा बुट्टीपुरी क्षेत्र में है, कोविड कोरोना जो चालू है जिस तरीके से बतलाया जा रहा है हर मीडिया चैनल पे कि बेड्स अवेलेबल नहीं है कहीं भी, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है कहीं, और जिस तरीके से आज ईएसआईसी दवाखाने की एक ईंट भी नहीं जोड़ी गई है, तो उस पर आपका क्या बोलना? मेरा सीधा आरोप है सरकार की, हमारी सरकार के लिए, हम अभी ये 5 साल देवेंद्र सरकार के पहले हम भी 10-15 साल सत्ता में रहे, और अगर ये ईएसआई की हॉस्पिटल यहाँ नहीं नींव पड़ी, या 5 साल देवेंद्र जी के शासनकाल में नहीं रही, या अभी हमारी सरकार फिर से तीन पार्टी की सरकार है माननीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, यहाँ ईएसआई की आवश्यकता है, नहीं हुआ है तो ये सारे लोग जवाबदार है, इसका दोष उसके ऊपर है, और ये होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अभी आपने कुछ पेपर में पढ़ा होगा कि कोविड के बारे में कितनी असुविधा थी, मैं भी मजदूर क्षेत्र में काम करता हूँ, हमारे भी मजदूर है कोला खदान में, मॉइल में, आयरन ओर में, बहुत जगह मजदूर है, हम लोगों ने बहुत तकलीफ झेला है, हमने लड़े हैं, लेकिन भारत सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। आखिरकार महाराष्ट्र शासन ने, अभी आपने देखा होगा हमारे कृपाल तुमाने जी ने जो शिवसेना के सांसद है, हमारे अनिल देशमुख जी ने, कांग्रेस के लोगों ने, सुनील केदार ने, टोपे जी आए थे, बहुत लोग आए थे, एक मीटिंग करके उन्होंने निर्णय किया कि ग्रामीण में हमारे नागपुर जिले के कम से कम 2-3 जगह 500-500 बेडेड हॉस्पिटल बनाएंगे, तो निश्चित रूप है कि उसमें बुट्टी बोली तो एक रहेगा ही, चाहे वो ईएसआई के नाम पे बने, चाहे कोविड के नाम पे बने, लेकिन जल्दी बनना चाहिए। मैंने उनको चिट्ठी लिखी है कि भाई आपने ये पेपर में तो छपा दिया, लेकिन इसका वो ईएसआई हॉस्पिटल जैसा हाल नहीं कर रहा, ये मैं लड़ रहा हूँ उसके लिए, और यहाँ के मजदूर भी लड़ेंगे, कोई भी मजदूर कोई भी पार्टी का हो, ये सही हॉस्पिटल इतना बड़ा इलाका है, कहाँ जाएंगे मजदूर, वहाँ निजी अस्पताल नागपुर ले जाओ आप, तो वहाँ पहले बोलेंगे 2 लाख रुपए जमा करो, 3 लाख रुपए जमा करो, कहाँ से मजदूर करेगा गरीब। तो मैं इस मामले में आपके साथ हूँ, आपकी भावना की, जनता की भावना के साथ हूँ, ईमानदारी से। और बोलिए सर, ये जो कांग्रेस और विरोधी पक्ष मिलकर ये जो आंदोलन कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट मोटो क्या है? एग्जैक्ट मोटो मोदी हटाओ देश बचाओ, हिंदी में। और ये जो आंदोलन हो रहा है ये सिर्फ बुट्टीपुरी में हो रहा है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में? आज आप चैनल जरा खोल के देखना, वो पीके वाले चैनल नहीं, शाम को एनडीटीवी देखना, बाकी देखना न्यूज 24, ताकि उसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ये दो मुद्दे हमारे श्रम के और किसानों के कानून के मुद्दे तो है ही है, तीसरा आज जुड़ गया है, कल जो व्यवहार किया हमारे नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ, महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उसका भी रोष पूरे देश में चल रहा है। सर, हम लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती है, सो एनीथिंग स्पेशल मतलब आज ही क्यों आंदोलन? इसलिए कि आप ये बताओ, इन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो विचारधारा आपको मालूम है? विचारधारा गांधी जी को किसने मारा था 30 जनवरी 1948 को? ठीक है, उनको फांसी हुई देश के कानून में, संविधान में, तो 6 साल से नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, उनके एनडीए के अलायंस किसका नाम लेके सत्ता में आ रहे? महात्मा गांधी। बोले उनका 150वां साल हो रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ठीक है, तो हम जिनके नेतृत्व में हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने स्वतंत्रता सेनानी रहे, लड़े, आजादी लड़ी महात्मा गांधी के लड़ाई में, तो हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम महात्मा गांधी के प्रति 150 साल हो गया तो उनके जन्म को तो हम कुछ सेलिब्रेट करें?
तो हम तो उनका जश्न मनाएंगे, मना रहे, लेकिन क्योंकि ये दो ऐसे मुद्दे आए हैं जिससे पूरा देश हिल गया है, किसानों का और मजदूरों का, जो तीन तीन कानून आए, इसीलिए हम आज उस दिन देश में मजदूर बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। सर हम लोग देख सकते हैं कि भाजपा हटाओ किसान बचाओ ये जो नारे लगे हुए हैं, लेकिन पंतप्रधान ने तो बोला है कि जो ये जो एक्ट आया है वो जो है शेतकरी एंड जो कामगार वर्ग है उनके उनके लिए फायदे के लिए है, तो आप बताइए कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है जो उन्होंने कहा है कि आप बेटा वेरी गुड, आपने इंटेलिजेंट सवाल किया, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप टीवी में पेपर में पढ़ रहे होंगे, पक्ष में भी दोनों कानून के और विपक्ष में भी हम, लेकिन एक नई बात बता रहे हैं हमारे वर्कर को भी आपको भी और आप प्रसारित करो, हमारे देश में किसानों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी मिलती है, जो बोलते हैं ना MSP, सरकार जो आपका किसानों का मूल्य आता है, खर्चा आता है, उसके ऊपर बढ़ा के देते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, दुनिया के सभी बड़े विकासशील देश जो हैं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, यहाँ पिछले 30-40 साल से किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, और वहाँ ओपन मार्केट है, अमेरिका के किसानों को कोई वहाँ मंडी नहीं है, ठीक है, मंडी बंद है, हर किसान को आज़ादी है कि वो माल कहीं भी बेच सकता है, अमेरिका में, यूरोप में, सभी कंट्री में, आप पढ़ लो, हमारे स्टेटमेंट को आप चेक करा लेना, ये बात जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको। वहाँ पे आज भी हजारों करोड़ डॉलर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, क्यों? अगर ओपन मार्केट में माल बेचने से, जो अभी कानून में सुधार कर रहे मोदी जी, अगर किसानों को भला हो जाता और उसको गारंटी हो जाती कि हमको हमारे माल का उपज का अच्छा भाव मिलेगा, जो सरकार तय कर देती है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ के किसानों को, वहाँ की सरकार को हजारों करोड़ लाखों करोड़ डॉलर सब्सिडी देना पड़ रहा है, इसीलिए कि ओपन मार्केट में लोगों को प्रॉफिट दिखेगा, प्राइवेट ट्रेडर को, प्राइवेट उद्योगपतियों को, वो किसानों को भला करने नहीं आएंगे। आखिरी बात कि अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बोल रहे होगा, तो हमारे यहाँ 60-70% किसान 2-3 एकड़ वाले भूधारक ने क्या बोलते हैं अल्पधारक, ठीक है, हम मान लो वो 4 किसान मिलके 10 एकड़ जमीन में बोला अडानी आके या कोई उद्योगपति आके बोले भाई ये आप यहाँ पे वो आलू लगाओ हम लेंगे हमारे मॉल में, ठीक है, साल 2 साल अच्छा चला, उसके बाद कोई अगर झगड़ा हुआ तो सरकार के पास नहीं जाएगी रिपोर्ट, उसको वह किसान को कोर्ट में जाना होगा। सर अभी गवर्नमेंट से आप जैसे बात कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है अभी कि मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी आता है वो सब प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, प्राइवेटलाइजेशन हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं विरोध, मैं कांग्रेस के समय विरोध किया जब मल्टीपल वो सेक्टर में जब रिटेल मार्केट आ रहा था, ये फ्लिपकार्ट ये वो, तो हम लोगों के लड़ने से वो एक ब्रांड में हो गया, लेकिन अभी मोदी जी ने फिर से उसको मल्टी ब्रांड कर दिया। सर जिस तरीके से 1947 के पहले आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, पर आपने 1947 के पहले का इतिहास देखा होगा, तब हर चीज प्राइवेट सेक्टर में थी, क्या उसी तरह से प्राइवेटाइजेशन आज होने वाला है 2020 के बाद 73 इयर्स बाद? Exactly. एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, समझ देखिए। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आज तक हिस्ट्री में 100 साल किसी देश ने सेंचुरी नहीं की अपने आजादी के लिए, क्या भारत कहीं ना कहीं सेंचुरी? लोगों ने हमें वोट दिया मतदाता 10 करोड़, तो हम आज कमजोर, हम सत्ता में नहीं है, कम हो गए, लेकिन ये 2 से 303 आ जा सकते हैं, तो हम क्या 52 से इनके अब्बा नहीं बन सकते, ठीक है? आपने जो कहा कि 48 के पहले निजी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक समझने के लिए कि जब हम निजी कोयला खदान में, मैं 50 साल पहले कामची कोयला खदान आया था जो प्राइवेट की थी, 69 में 51 साल हो गए मुझे, मैं अंडरग्राउंड में 20 साल काम किया, उस समय प्राइवेट थी, 73 में इंदिरा गांधी ने, 71 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 73 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, क्यों किया? क्योंकि मजदूरों का शोषण होता था, पगार नहीं मिलती थी, उनका सुरक्षा नहीं होता था। जैसे आप कोयला खदान बोल रहे हो, कोयला खदान का हिंगना में सबसे बड़ा हेड ऑफिस था या है? हिंगना में मुख्यालय में है, वो तलखेड़ी रोड पे है, 10 मंजिला, वहाँ पे, तो वो भी गुजरात शिफ्ट कर दिया गया ऐसा सुनने में आ रहा है। वो दूसरा चीज है, वो जाने दो, आपको नहीं समझेगा, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट पे है,
लेकिन कोयला खदान के बारे में अब ये क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है पेपरों में आपने पढ़ा कि अब ये कोयला का ब्लॉक पहले कैप्टिव दे रहे थे, कैप्टिव का मतलब तीन उद्योग के लिए स्टील सीमेंट पावर, अब उन्होंने कहा नहीं कोई भी प्राइवेट आइए कोयला खदान लीजिए और माल मार्केट में बेचिए। ठीक है, आखिरी बात आप समझ लो भाई साहब एक, हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, हमारे कोयला खदान में हमने लड़के पिछले 30-40 साल में राष्ट्रीयकरण के बाद हम सरकारी कर्मचारी हैं गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, मैं जब रिटायर हुआ आज मेरा एक कोयला खदान का वर्कर कम से कम कैटेगरी एक का पगार 40,000 रुपए है। ठीक, अब ये जो नए आएंगे उद्योगपति अदानी अंबानी जो ले रहे खदान, आज भी आप पेपर में पढ़ लेना आज के हितवादा में है कौन कौन सी कंपनी अप्लाई की है कोयला ब्लॉक लेने के लिए, आज के हितवादा में है कंपनी के नाम प्राइवेट। अब ये मजदूरों क्या करेंगे, ये खुद तो लगाएंगे नहीं, ये ठेकेदार लगाएंगे, ठेकेदार कितना पैसा देगा, 8,000, 10,000, 12,000, 15 घंटा 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराएगा, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई उनको बचाव नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। आज हमारे कोयला खदान के मजदूर कॉलोनी में रहते हैं, उनकी स्कूल की व्यवस्था है, बस से स्कूल जाते हैं, आज हजारों हमारे कोयला कामगार के बच्चे इंग्लैंड में अमरीका में बेंगलोर में और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं इंजीनियर बन के। ये फर्क है कि निजीकरण के बाद मजदूरों का शोषण होगा, ये प्राइवेट कंपनी अगर शोषण नहीं करती तो हमको डर क्या था, आइए स्वागत कीजिए देश में, आप पैसा लगाइए ये देश विकास होगा तो हमारा तरफ की हमारी भलाई नहीं है, लेकिन ये ठकोसला है। अभी एयरपोर्ट हमारा सरकार चला रही है, अब दे देगी निजी को तो नुकसान नहीं है मजदूरों का, पैसे नहीं मिलेंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी, संरक्षण नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा, कानूनी बचाव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। चले बेटा हमको मेरे 12:30 बजे आपण बघू शकता की आताच इथे काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष नेत्याचे आंदोलन झालेले आहे आणि इथे जे माजी आमदार एस क्यू झामा होते त्यांनी आपले मत इथे मांडलेले आहेत, त्यांनी आंदोलन का करत आहेत आणि या आंदोलनांनी किसान आणि कामगारांना कुठले फायदे होणार आहेत ते देखील सांगितलेले आहेत, त्याचप्रकार त्यांनी जे आपले भाजपा हटाओ किसान बचाओ या नाऱ्यावर देखील आपले मत मांडलेले आहेत, त्याबद्दल त्यांनी खूप सारे जे गव्हर्नमेंट सेक्टर आहेत ते प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये मर्ज होत आहेत त्याबद्दलही त्यांनी आपले मत मांडलेले आहेत। तर अशाच अधिक बातम्यांसाठी बघत रहा स्टार पेक्षा स्टार। पप्पा आना है क्या?